हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 6 है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निम अपने घर पर होती है। निम को एक अननोन नंबर से कॉल आता है। ये कोजी का कॉल होता है। निम कोजी की आवाज सुनकर खुश हो जाती है। कोजी निम को बताता है, फर्स्ट ही कोरिया में मेरा फोन गुम हो गया था। मैं अभी अभी कोरिया से वापस आया हूँ और हजूबे के फोन से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। और निम को इस नंबर को सेव करने से मना कर देता है। निम कोजी को बोलती है, तुमने मुझे इतनी रात को कॉल किया है, कुछ काम था क्या? कोजी निम को बोलता है, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल किया है, मुझे कुछ काम होगा क्या, मैं तभी कॉल करूंगा। निम ये सुनकर खुश हो रही होती है। कोजी निम को बोलता है, मैंने इतने दिनों से तुमसे बात नहीं की, वापस आते ही मैंने तुम्हें कॉल किया और तुम मुझसे ऐसे सवाल कर रही हो। कोजी की बातें सुनकर निम शर्मा रही होती है। कोजी निम से पूछता है, क्या तुम मुझसे नाराज हो? निम बताती है, नहीं। कोजी निम को बताता है, मैंने तुम्हें इतने दिन इंतजार कराया, इसलिए तुम्हारे लिए कोई स्पेशल सरप्राइज है। और निम को नेक्स्ट डे मिलने के लिए बुलाता है। मैं तुम्हें लंच पर लेकर जाना चाहता हूँ। निम कोजी से पूछती है, क्या ये हमारी डेट है? कोजी निम को बोलता है, जैसे भी तुम समझो। नेक्स्ट मॉर्निंग निम कोजी के साथ डेट पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। निम कोजी को जीन्स और शर्ट में देखकर इंप्रेस हो जाती है। कोजी निम का हाथ पकड़कर सबसे पहले उसे फोन स्टोर में लेकर जाता है और नया मोबाइल खरीदता है। के बाद दोनों साथ में मूवी देखने जाते हैं। कोजी की आंखें क्लोज होती है। निम को लगता है कोजी सो गया है, तो कोजी के शोल्डर पर अपना सर रख लेती है। लेकिन कोजी जस्ट प्रिटेंड कर रहा होता है और निम पर हंसता है। मूवी के बाद कोजी निम को बाइक की राइड कराता है और दोनों इन मोमेंट्स को एंजॉय करते हैं। कोजी निम को अपने घर लेकर जाता है। निम कोजी के लिए किचन में खाना बना रही होती है। कोजी निम के साथ किचन में फ्लर्ट करता है। के बाद निम कोजी को सूप पिला रही होती है। गलती से सूप निम की गर्दन पर गिर जाता है। कोजी निम को बोलता है, मैं क्लीन कर देता हूँ, और निम को आंखें बंद करने को कहता है। निम आंखें क्लोज कर लेती है। कोजी निम की गर्दन पर लव बाइट दे देता है। निम कोजी को बोलती है, ये तुमने क्या किया, किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा? लेकिन कोजी पर कोई असर नहीं होता। निम के साथ फ्लर्ट करना जारी रखता है। के बाद निम घर आ जाती है और चुपचाप अपने रूम में जा रही होती है। तभी उसकी मदर उससे पूछती है, तुम चुपचाप क्यों जा रही हो? निम अपनी गर्दन बालों से छुपा लेती है और बोलती है, मैं तो ऐसा कुछ नहीं कर रही थी। नेक्स्ट डे निम ऑफिस में लव बाइट का निशान छुपाने के लिए गले में स्कार्फ डाल लेती है, पर साथ ही कोजी के सामने एम्बेरस फील करती है। कोजी जानकर मीटिंग में निम के साथ सबके सामने फ्लर्ट करता है। निम कोजी को इशारा कर ये सब बंद करने को कहती है। इसके बाद कोजी लंच लेकर निम को केबिन में बुलाता है और निम को हग करने के लिए तैयार हो जाता है। पर निम से पहले हजूबे केबिन में आ जाता है और कोजी को हग कर लेता है। कोजी को बोलता है, क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? कोजी हजूबे को बोलता है, ये तुम क्या कर रहे हो और मुझे हग क्यों किया तुमने? हजूबे कोजी को बोलता है, मुझे लगा तुम किसी को हग करने के लिए इंतजार कर रहे हो, तो मैंने कर दिया। कोजी हजूबे को बोलता है, क्या चाहते हो तुम? हजूबे कोजी को बताता है, मुझे निम ने भेजा है ये बताने के लिए कि लंच के लिए तुम्हें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। कोजी बोलता है, ये बताने यहाँ आए हो और बता दिया हो तो यहाँ से जाओ। हजूबे वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हजूबे दोबारा जानकर कोजी के केबिन का डोर नॉक करता है। कोजी को लगता है इस बार निम होगी, फिर से निम को हग करने के लिए अपने हाथ फैलाता है, पर हजूबे होता है। कोजी को हजूबे पर गुस्सा आता है। इसके बाद फिर से कोजी के केबिन का डोर नॉक होता है। कोजी को गुस्सा आता है और उसे लगता है हजूबे है, उसे पंच मारने ही वाला होता है, पर इस बार निम होती है। निम कोजी को बोलती है, आप मुझे पंच मारना चाहते हो? मैंने कोई गलती की है क्या? कोजी बोलता है, नहीं नहीं, मुझे लगा फिर से हजूबे आया है। और निम को डांटता है, तुम लेट क्यों हो गई, मुझे भूख लग रही थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है माँ कोजी को एक नया प्रोजेक्ट देता है। कोजी को कुछ समझ नहीं आता, माँ को उसे जरा भी पसंद नहीं करता, फिर भी उसे प्रोजेक्ट दे रहा है, कुछ तो बात है। मीटिंग के बाद माँ निम के पास आता है और निम की गर्दन पर निशान देख लेता है और निम से पूछता है, ये कोजी ने किया है ना? कोजी की पुरानी हैबिट है। माँ निम को बोलता है, अच्छे से कवर कर लो, किसी ने देख लिया तो तुम्हारे बारे में बातें करेंगे। तभी कोजी वहाँ आता है और निम को वहाँ से ले जाता है। कोजी कुछ नहीं कहता, लेकिन निम कोजी को अपनी सफाई देने लग जाती है। माँ और मैं कुछ नहीं कर रहे थे, गलत मत समझना। कोजी निम को बोलता है, तुम्हें पता भी है मैं क्या सोच रहा हूँ, और निम के साथ रोमांस करना स्टार्ट कर देता है। निम कोजी को रोकती है,
अपोजिट इनको बोलता है, अगर तुम चाहती हो ये दोबारे ना हो तो प्रॉमिस करो तुम कभी किसी अदर लड़के के साथ अकेली कहीं नहीं जाओगी, चाहे वो कोई भी हो। इम कोजी से पूछती है क्या तुम जेलस हो, कोजी बोलता है हाँ, और कुछ पूछना चाहती हो, इम बोलती है नहीं। कोजी निम को बोलता है जब तुम्हें पता चल गया है मैं जेलस होता हूँ तो अदर लड़कों के साथ अच्छा होने की कोई जरूरत नहीं है, निम एग्री हो जाती है। इसके बाद निम को घर जाकर अपनी मदर से पता चलता है उसके भाई नट ने नया बिजनेस स्टार्ट किया है जिसके लिए उसने उसकी अर्न से पैसे बोरो किए हैं। निम मदर को समझाती है ऐसे पैसे बोरो करके बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहिए, हो सकता है बिजनेस फेल हो जाए तो क्या करेंगे। मदर अपने बेटे नट का ही साथ देती है तो और निम को बोलती है तुम्हें इन सब की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट डे निम अपने घर के पूरे महीनों के बिल देकर परेशान हो जाती है, इतना सारा खर्च है और इनकम इतनी कम, कैसे सब कुछ मैनेज होगा। इसलिए निम एचआर से उसकी सैलरी बढ़ाने की बात करती है, ट्रेनिंग पीरियड भी कम्प्लीट हो गया है, पर एचआर निम को बताती है इस बारे में तुम्हें कोजी से ही बात करनी होगी, वही इस बारे में डिसीजन ले सकते हैं। निम को समझ नहीं आता कोजी से कैसे इस बारे में बात करे। इसके बाद निम कोजी के साथ लंच पर होती है तभी निम को उसकी अंट का कॉल आता है और अंट निम को बताती है तुम्हारी मदर ने मुझसे पैसे बोरो किए थे पर अभी तक वापस नहीं किए। निम की अंट उसे जल्दी से सारे पैसे वापस करने को कहती है। इसके बाद निम कोजी के पास आती है, कोजी निम से पूछता है क्या हुआ। निम कोजी को बताने ही वाली होती है तभी कोजी को कंपनी के हेड ब्रांच से कॉल आता है। निम पूछती है किसका कॉल था, कोजी बताता है ब्रांच से कॉल आया था, इस साल का हमारी ब्रांच का बजट हाफ कर दिया गया है। ये सुनकर निम कोजी को अपनी प्रॉब्लम नहीं बता पाती। इसके बाद निम अपने खर्चों को मैनेज करने के लिए ऑनलाइन पार्ट टाइम वर्क स्टार्ट कर देती है ताकि फैमिली को सपोर्ट कर सके, जिसकी वजह से कोजी को भी टाइम नहीं दे पाती। कोजी निम को परेशान देखकर उसे पूछने की भी कोशिश करता है पर निम कुछ नहीं बताती। निम रात को बैठकर एक कैफे में काम कर रही होती है, कोई निम को कोजी का कॉल आता है। कोजी निम को बोलता है क्या कोजी की वाइफ बात कर रही है। निम बोलती है नहीं हमारा तो कोई रिलेशनशिप नहीं है। कोजी बोलता है सच में, तो फिर वो ऑफिस में किस किया था उसका क्या मतलब है, और जो कार में किस किया था और जो स्टोर रूम में किया था। निम बोलती है मुझे टीज करना बंद करो। कोजी निम से पूछता है तुम क्या कर रही हो। निम कोजी को झूठ बोलती है मैं शावर लेने जा रही हूँ। कोजी को निम का झूठ सुनकर बुरा लगता है क्योंकि कोजी उसी कैफे के बाहर से ही निम को कॉल कर रहा होता है। निम कोजी से पूछती है तुम घर पहुंच गए। कोजी बताता है हाँ और कॉल कट कर देता है। नेक्स्ट डे कोजी निम से ऑफिस में पूछता है आजकल तुम काफी स्ट्रेंज बिहेव कर रही हो, कुछ ऐसा है जो तुम मुझे बताना चाहती हो। निम कोजी को बताती है ऐसा कुछ नहीं है और वहाँ से जाने लगती है। तभी निम बेहोश होने वाली होती है, कोजी आकर निम को पकड़ लेता है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। निम बेहोशी से जागती है, नर्स कोजी को बताती है निम स्ट्रेस लेने की वजह से और नींद पूरी ना होने की वजह से बेहोश हो गई थी। कोजी निम को समझाता है अपना ध्यान रखो और निम को बताता है मैं मीटिंग के लिए जापान जा रहा हूँ। इसके बाद निम घर पहुँचती है और लेट हो जाती है। मदर निम को डांटती है ऐसी कौन सी जॉब करती हो जो इतनी लेट घर आती हो या बाहर अपने बॉस के साथ टाइम पास करती हो। निम अपनी मदर को दिखाती है आपने और नट ने जो इतने सारे एक्सपेंसेस किए हैं उसे भरने के लिए ऑनलाइन बुक ट्रांसलेट का काम कर रही हूँ ताकि ये सब चुका सकूं। मदर को बुरा लगता है उनकी वजह से उनकी बेटी को इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। निम अपना मन हल्का करने के लिए कैफे में चली जाती है तभी निम को कोजी का कॉल आता है और उससे पूछता है कहाँ हो। निम कोजी को बताती है मैं एक कैफे में हूँ। कोजी निम को वहीं रुकने को बोलता है मेरा इंतजार करो। कोजी निम से मिलने कैफे में पहुंच जाता है और निम को बताता है मैं जापान नहीं जा रहा, मैंने क्लाइंट के साथ ऑनलाइन मीटिंग कर ली है और सब कुछ मैनेज हो गया है। निम रोने लग जाती है और कोजी को हग कर लेती है। कोजी निम से पूछता है अब तो तुम मुझे बता दो क्या प्रॉब्लम चल रही है तुम्हारी लाइफ में, आखिरकार मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, मुझसे सब कुछ शेयर कर सकती हो। निम कोजी को बताती है मेरी फैमिली में फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, मदर ने अंत से कुछ पैसे बोरो किए हैं जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ कैसे सब चुकाऊंगी। कोजी निम को बोलता है इसलिए तुम मुझे बिना बताए पार्ट टाइम जॉब कर रही थी। निम शोक हो जाती है और कोजी को बोलती है तुम्हें पता है। कोजी बताता है हाँ। निम कोजी को बताती है ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती थी, तुम्हारे ऊपर ऑलरेडी बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं तुम पर और बर्डन नहीं डालना चाहती थी। कोजी निम को बोलता है चाहे कुछ भी हो तुम्हें मेरे साथ शेयर करना चाहिए था। निम कोजी से माफी मांगती है दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी। कोजी निम को बोलता है मैं एक अच्छा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, तभी तो तुमने मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं की। निम कोजी को बोलती है तुम मेरे लिए दुनिया के सबसे बेस्ट बॉयफ्रेंड हो,
के बाद कोसी निम को अपने घर लेकर जाता है और उसका ध्यान रखता है। कोसी निम को बोलता है, तुम मेरे रूम में बेड पर जाकर सो जाओ और मैं सोफे पर सो जाता हूँ। निम कोसी को बोलती है, ये तुम्हारा घर है, तुम बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर। लेकिन कोसी नहीं मानता और निम को बोलता है, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम बेड पर सो जाओ या तो तुम मेरे साथ बेड पर सो जाओ। और निम से पूछता है, बताओ तुम कौन सा ऑप्शन चूज करोगे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कोसी सोफे पर लेटकर टीवी देख रहा होता है। निम को नींद नहीं आती तो कोसी के पास आ जाती है और बोलती है, मुझे सोफे पर सोना है टीवी देखते हुए क्योंकि मुझे बेड पर नींद नहीं आ रही। कोसी बोलता है, दोनों साथ में टीवी देखते हैं और दोनों वहीं टीवी देखते हुए साथ में ही सो जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।